नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से क्या रहा, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत। यहाँ पर अगर सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ रावलपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकवादी साजद अफगानी को मार गिराया है और इस बात की जानकारी खुद राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने दी। सुरक्षा बलों ने तीसरे दिन लगातार जारी मुठभेड़ में इस अफगानी को मार गिराया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जैश के अलावा अब तक मारे गए कई आतंकियों की पहचान लश्कर से जुड़े जहांगीर अहमद वानी के रूप में भी हुई है। यही नहीं, कश्मीर के IGP विजय कुमार ने शोपियां पुलिस और सुरक्षा बलों को 3 दिन तक चले मुठभेड़ के दौरान अफगानी को ढेर करने के लिए बधाई भी दी है। दोस्तों अब ये धीरे धीरे सिलसिला चलता ही रहेगा और अब जो आतंकियों की कमर टूटी है ना कश्मीर में, शायद ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी बन के आ रहा है। और यही नहीं, पाकिस्तान के भी हौसले यहाँ पर पस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो गिने चुने आतंकी सांस ले रहे हैं उनकी सांसें भी भारतीय सेना तोड़ दे रही है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो अमेरिकी राइफल 600 को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के सभी इन्फेंट्री बटालियनों को 600 राइफलों से लैस करने का फैसला लिया गया है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि AK-203 जो राइफलें हैं उनको भारत में बनाने में अभी भी देरी हो रही है। ऐसे में सेना की जो 400 से अधिक पैदल सेना की बटालियनें हैं उन्हें अमेरिकी राइफल 600 से लैस करने का फैसला लिया गया है। इस मूल योजना के तहत केवल इसके फ्रंटलाइन सैनिकों को इस राइफल को बांटा जाएगा। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसेस यानी कि FTP के तहत 2019 में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए 6716G2 पेट्रोल असॉल्ट ऑब्लिक बैटलफील्ड राइफलें मंगवाई गई थी और ये नई राइफलें भारत की इंसास की जगह लेंगी। इस योजना के अनुसार सभी पैदल सेना के बटालियनों में कम से कम 2 कंपनियों को 6716 दिया जा रहा है, भले ही वो मैदान में हो या फिर शांति स्टेशनों पर। हालांकि कुछ मात्रा में बटालियनों के साथ अलग अलग हथियार और अन्य हथियार भी शामिल होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक पैदल सेना की बटालियन में 4 कंपनियां हैं, जिन्हें आमतौर पर अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनियों के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ बटालियनों के नाम अलग है, जैसे कि विस्की, एक्सरे, यांकी और जुलू कंपनी के रूप में। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि 13 कुमाऊं में चार्ली कंपनी नहीं है और इसको रेजेंगला कंपनी कहा जाता है। दिसंबर में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 72,400 राइफलों की खरीद के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। ये भी FTP के तहत किया गया था। 600 को 7.62x51mm राउंड फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 600 मीटर है जो कि AK-47 से दोगुनी है, यानी कि बिना आतंकियों के करीब जाए उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसमें शॉर्ट स्टॉक पिस्टन ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे चलाने वाले को कम से कम झटका लगता है, यानी कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसमें M1913 मिलिट्री स्टैंडर्ड रेल्स भी हैं, जिन पर नाइट विजन डिवाइसेस, टॉर्च या मशीन की जरूरत के हिसाब से कोई और भी डिवाइस लगाया जा सकता है। इंसास राइफलों के साथ कारगिल युद्ध में खासी दिक्कतें आई थी सैनिकों को, क्योंकि लगातार इंटेंस फायरिंग के दौरान ये राइफलें जाम हो जाती थी और ओवरहीटिंग की समस्या भी इनमें थी। और एक बार जब ये राइफलें यानी कि जो इंसास राइफलें थी वो ओवरहीट हो जाती थी, उनका इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक वे ठंडी ना हो जाए। ये सिचुएशन किसी भी सैनिक के लिए खतरनाक थी। इसके अलावा कम तापमान में मैगजीन क्रैक भी हो जाती थी, लेकिन SIG-716 के साथ ये सारी दिक्कतें नहीं है। यानी कि एक बहुत बड़ा फैसला कि भारत की 400 से अधिक बटालियनों को इस आधुनिक अमेरिकी राइफल से लैस किया जा रहा है। अगली खबर भी UAE को लेकर आ रही है। एक बार फिर UAE भारत की मदद करने को तैयार है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि राफेल का दूसरा बैच जल्दी भारत में आने वाला है और खास करके इस महीने के अंत में ही आ सकता है। तो ऐसे में UAE ने अपने एयरबस 330 को डिप्लॉय किया है भारतीय फाइटर जेट्स को मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए। UAE के द्वारा 8 राफेल जेट के अगले बैच में इन्हें लगाया जा रहा है। अगली अपडेट अमेरिका को लेकर आ रही है। सिप्री की एक ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार आपूर्ति कर रहा है, यानी कि वो शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। 2016-2020 के दौरान अमेरिका ने वैश्विक हथियारों की बिक्री का 37% हिस्सा लिया और 96 देशों को हथियार बेचे। इसकी आधी बिक्री मध्य पूर्व में हुई है, यानी कि मिडिल ईस्ट में। सिप्री ने वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण की अपनी जो नई समीक्षा की है उसमें रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। और यही नहीं, इस रिपोर्ट में जैसे कि मैंने आज के यानी सिप्री की इस रिपोर्ट के बारे में जैसे कि मैंने एक वीडियो भी आज बनाया है, उसमें भारत के हथियार आयात में करीबन 33% की गिरावट हुई है। और ऐसे में अब फ्रांस और इजराइल भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है।
सिप्री की आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस में छोटे हथियारों को शामिल नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों यहां पर अब भारत लगातार अपने हथियारों को खुद बनाने की जुगत में लगा हुआ है और लगातार कई हथियार भारत ने खुद भी डेवलप कर लिए हैं, और ऐसे में ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत का जो ग्राफ है वो 33% यानी कि 33% जो हथियार खरीदने का था वो नीचे आ गया है। तो ऐसे में ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हो रहा है। दोस्तों अगर आपको यहां तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा, साथ ही आप अपने विचारों को भी हमारे साथ साझा कर सकें। अगले अपडेट भारतीय रेलवे को लेकर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग के बीच सभी ट्रेनों का परिचालन अक्टूबर महीने से सौर ऊर्जा से होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसके लिए जाजगिरी में 310 करोड़ रुपए की लागत से 210 एकड़ क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट तैयार करा है। पैनल लगाने के लिए कॉलम भी खड़े कर दिए गए हैं। केवल बिछाने का काम शुरू होने वाला है। इससे रोजाना करीब 50 मेगावाट बिजली तैयार होगी। इससे रायपुर और दुर्ग के बीच चलने वाली यात्री और मालगाड़ी को मिलाकर करीबन 110 ट्रेनें दौड़ेंगी। इससे रेलवे को सालाना 14.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। अगली अपडेट भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण को लेकर आ रही है। दरअसल भारत ने रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। भारत के पास वर्तमान में 580.3 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। कोविड 19 महामारी के कारण उतार चढ़ाव से बचने के लिए उभरते देश विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में जुटे हैं। भारत और रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कई महीनों में वृद्धि जारी है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में चीन टॉप पर है, इसके बाद जापान स्विट्जरलैंड का स्थान है, चौथे नंबर पर भारत और पांचवें नंबर पर रूस है। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने 137 लंबी दूरी की हवा से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलें यानी कि एलआर सैम के लिए लॉकेट मार्टिन के साथ $414 मिलियन का सौदा किया है। इस सौदे के तहत मिसाइलों के अलावा सपोर्ट इक्विपमेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। ये मिसाइलें अमेरिका के लड़ाकू विमानों से दुश्मनों के युद्धपोतों के ऊपर दागी जाएंगी, जिससे इन मिसाइलों की न केवल रेंज बढ़ेगी बल्कि दुश्मनों के पास इन्हें रोकने के लिए काफी कम समय होगा। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि ये समुद्र की सतह से कुछ ही फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के जहाज के पास पहुंचेंगे। इतनी नीचे उड़ान भरने के कारण दुश्मन के युद्धपोत पर लगे रडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं लड़ाकू विमानों से लॉन्च किए जाने के कारण इसे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका जिन मिसाइलों को खरीद रहा है उनकी रेंज करीबन 300 नॉटिकल मील होगी। इन मिसाइलों में एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जिससे दुश्मन के रडार इसे जाम नहीं कर पाएंगे। एंटी जैमिंग तकनीक के जरिए मिसाइल में लगे रडार को लॉक कर दिया जाता है जिससे वो लक्ष्य से भटक जाती हैं। ये तकनीक युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और जमीन पर मौजूद रडार स्टेशनों पर लगी होती हैं। इसके अलावा इन मिसाइलों को ऑनबोर्ड सेंसर के साथ लक्ष्य का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे ये किसी ड्रोन या शिप के सेंसर के भरोसे नहीं रहते। दरअसल ये एक जटिल तकनीक है जिसमें मिसाइल को लॉन्चिंग के बाद उनके पैरेंट शिप लड़ाकू विमान या ड्रोन गाइड करते रहते हैं। इन मिसाइलों को स्टील तकनीक से भी लैस किया गया है जिससे लॉन्चिंग के काफी समय के बाद तक दुश्मनों को इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। यानी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका अगले 5 सालों में लगभग 850 एंटी शिप मिसाइलों को खरीदने का उसने लक्ष्य बनाया हुआ है। अगली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर ऐसा टेलीस्कोप लगाया है जो इनर स्पेस यानी कि धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष दोनों पर नजर रखेगा। ये उन कणों की खोज करेगा जिनकी वजह से धरती का निर्माण हुआ था, यानी कि दुनिया के सबसे छोटे कण न्यूट्रिनोज। अगर इन कणों की गतिविधि बढ़ जाए तो काफी नुकसान हो सकता है, इसके लिए निगरानी जरूरी है। रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बेकल झील के अंदर एक बड़ा टेलीस्कोप लगाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था। इसका काम है न्यूट्रिनोज का पता लगाना। न्यूट्रिनोज दुनिया का सबसे छोटे कण होते हैं। इनकी निगरानी करना या इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन है, इसीलिए टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बेकल जीवीडी नाम दिया है। इस बैकल झील में 750 से 1350 मीटर यानी कि 2500 से 4300 फीट नीचे पानी में से तैनात किया गया है। ये झील के किनारे से 4 किलोमीटर दूर है। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रिनोज का पता लगाना बेहद कठिन कार्य है, लेकिन पानी एक ऐसा माध्यम है जिससे इस कण की जांच करना आसान हो जाता है, इसीलिए टेलीस्कोप को पानी के अंदर तैनात किया जा रहा है। इसरो अब अपनी ज्यादातर जो एक्टिविटीज है उन्हें निजी कंपनियों यानी कि निजी खिलाड़ियों के द्वारा करेगा। अंतरिक्ष विभाग के सचिव के सिवन ने कहा कि पिछले साल जून में सरकार ने इस क्षेत्र में कई सुधार किए जिसमें अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ी हुई निजी भागीदारों को बढ़ावा मिला है और इससे उद्योग जगत में भी उत्साह पैदा हुआ है। अंतरिक्ष गतिविधियों का भविष्य अब बदल रहा है। अभी तक की सभी अंतरिक्ष गतिविधियां केवल इसरो के द्वारा की गई थी, लेकिन अब हम निजी खिलाड़ियों को भी ऐसा करने के लिए समान अवसर दे रहे हैं। के सिवन ने कहा कि इसरो अपनी टेक्नोलॉजी को निजी खिलाड़ियों के साथ साझा कर रहा है और उन्हें अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का भी अवसर दे रहा है।
अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 35 अंतरिक्ष स्टार्टअप और उद्योग इसरो के परामर्श से अंतरिक्ष गतिविधियों के अलग अलग डोमेन्स जैसे सैटेलाइट्स, प्रक्षेपण वाहन, अनुप्रयोग विकसित करने और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्थन ले रहे थे। दोस्तों, निजी खिलाड़ियों को आना बेहद जरूरी है अंतरिक्ष क्षेत्र में, ताकि भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही ये उन निजी स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि जो लोग सपना देखते हैं अंतरिक्ष में कुछ करने के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सरकार के भरोसे पर या फिर सरकारी एजेंसी के साथ ही मिलकर काम करें। लेकिन अब भारत सरकार की ये योजना उन निजी खिलाड़ियों को एक नया अवसर दे रही है। जिस तरीके से आप समझते हैं कि अमेरिका में स्पेस एक्स है और अलग अलग देशों में कई प्राइवेट कंपनियां अपने खुद के स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रही हैं, तो ये भारत के लिए स्पेस के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित भी होने वाला है। अगली खबर चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। चंद्रयान 3 लॉन्च की योजना 2022 के मध्य तक होगी और सैटेलाइट के इलेक्ट्रिक प्रपल्शन पर काम चल रहा है। यही नहीं, इसके अलावा भारत के दूसरे मंगल मिशन मंगलयान 2 के लिए भी कई एजुकेशनल और उद्योगों को भी आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को लेते ही मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।